किसी के साथ में आपकी कुछ अनबन हो गई है, किसी ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है, वो आपका बहुत करीबी है, और आप किसी बात को लेकर के उसके साथ में द्वेष बन गया है, उसके साथ में क्या हो गया है, आपने द्वेष बना करके रखा हुआ है। और अमूमन ये देखा जाता है कि जिस किसी के साथ में जब हमारा वैर भाव पैदा हो जाता है और वो व्यक्ति जब जब सामने आता है तो और ज्यादा हमको परेशानी होती है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। तो इस चीज से कैसे छुटकारा पाया जाए, ये इन्होंने कुछ सवाल किया हुआ है। बड़ा अच्छा सवाल है, और हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है जब हमारा लोगों के साथ में मनमुटाव होता है, हमारा लोगों के साथ में झगड़ा होता है, हमारा लोगों के साथ में बोलचाल बंद हो जाती है और एक तरीके की दुश्मनी बननी शुरू हो जाती है, हम मन में कहीं ना कहीं गांठ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ में यदि इस तरह का कुछ संबंध बन जाता है तो उसमें परेशानी सामने वाले को क्या हो रही है, उसको क्या रिजल्ट मिलेंगे, उस पर हमें ध्यान नहीं देना। हमें किसके बारे में सोचना है, हमें अपने बारे में सोचना है। और बार बार यदि ये पीड़ा का भाव है, बार बार यदि ये वैर का भाव आपने रखा है किसी के प्रति, और जब जब भी उसको याद करते हैं या फिर वो यदि आपके सामने आता है, मतलब सामने ना भी आए और वो आपके विचारों में भी आए, तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है। जब कभी भी कोई दूसरा आदमी भी उस आदमी के बारे में बात करता है तब भी हमको कहीं ना कहीं पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये जो भाव है वो बहुत अच्छा भाव नहीं है, ये आपको पतन की तरफ ले जाने वाला भाव है। और यदि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से लगातार इस भाव में आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होने वाली है, और समान तरह के विचार और समान तरह की भावनाएं आने वाले सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में लगातार आते रहेंगे, बनते रहेंगे। तो इनसे आपको स्टॉप करना है, इनको आपको रोकने की कोशिश करनी है। ये रुकेगा कैसे, तो इसका एक ही तरीका है कि आप मेडिटेशन में जाओ, आप शांत चित्त होकर के बैठ जाओ, और बैठने के बाद जो व्यक्ति आपको बार बार परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है, उसको अपने सामने कम से कम 5 फुट दूरी पर खड़ा करो। आग बंद करने के बाद उस व्यक्ति को देखा जा सकता है, उसकी कल्पना की जा सकती है, और आप बिल्कुल कैसे भी करके आप अच्छी भावना रख के उससे आप उसको माफ कर दो कि हे ईश्वर, जो कुछ भी हुआ वो गलती से हो गया, कुछ ना कुछ गलती हुई होगी या कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स हुए होंगे, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बार बार माफ करो। ठीक है, जब आप उस लेवल में जाकर के बार बार माफ करने की कोशिश करते हो तो हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको तकलीफ हो, आप ना कर पाओ। तो ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ तो उसके बाद में आपने मान लिया कि हो ही नहीं सकता है, आप ऐसा जितनी बार हो सकता है बार बार माफ करने की कोशिश करो, उसको भूलने की कोशिश करो। और जब आप दिल और दिमाग से बार बार उस आदमी को देख के उसको आप माफ कर देते हो और ये मान लेते हो कि ये घटना एक घटित हुई थी जो खत्म हो चुकी है, जो पास्ट में कभी हुई थी वो घटना वो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन पास्ट की किसी घटना को आज बार बार याद करने से कुछ भी हमारा हित नहीं है, क्योंकि वो तो बीत चुका है, जो बीत चुका है। थोड़ी सी समझदारी दिखा करके उसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप माफ करने की कोशिश करते हो कोशिश करो, और ऐसा किया जा सकता है। शुरू शुरू में हमें तकलीफ होती है क्योंकि ऐसा हमने किया नहीं है, लेकिन बार बार प्रयास करने से ऐसे सारे लोग जिनकी वजह से, जिनके कारण आपको बार बार मन में कुछ बुरे विचार आते हैं, उनके प्रति दुर्भावना पैदा होती है, तो इनको खत्म करना बहुत जरूरी है यदि जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, जीवन को ऊपर की तरफ लेकर के जाना चाहते हो। जब इस भावना से छुटकारा मिल जाएगा तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और तेजी से बहुत अच्छे से काम करेगा और आप लगातार उत्तरोत्तर प्रगति करते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि यदि किसी के साथ में आपका वैर भाव बना हुआ है और आप अल्फा लेवल में जाकर के जब कुछ क्रिएशन करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए तकलीफ होने वाली है, आप कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए पहली जरूरत जो है, जितने भी ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जिनके साथ में आपका वैर भाव बना हुआ है, आपकी दुश्मनी है, किसी भी तरीके से दुर्भावना बनी हुई है, उसको सबकॉन्शियस माइंड में जा करके, अल्फा लेवल में जा करके आप उनको माफ करने की कोशिश करो। चेतन मन से किसी काम को करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि चेतन मन तो बार बार ये बोलेगा कि उसने मेरे को ये किया था, मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, मेरे को वो ऐसा कैसे बोल सकता है, मैं तो रोज उसके साथ में बैठता था। तो वो बार बार आपको ये कोशिश करेगा करने की, इस तरीके से बिहेव करने की कोशिश करेगा। कौन सा मन?
चेतन मन, चेतन मन हो सकता है माफ ना कर पाए, लेकिन अवचेतन मन में जाकर के, अवचेतन मन में हम कैसे जाएंगे, अल्फा लेवल में जाकर के, मेडिटेशन के उस स्टेज में जाकर के जहां पर चेतन मन का इंटरफेरेंस बिल्कुल बंद हो जाता है, आप जाकर के उस व्यक्ति को माफ कर सकते हो, क्योंकि चेतन मन फिर इंटरफेरेंस बंद कर देता है, और वहां जाकर के यदि आपने माफ कर दिया तो आपका उसके प्रति दुर्भावना खत्म हो जाती है, वैर भाव खत्म हो जाता है, और आप बहुत अच्छे इमोशनल स्टेट में आ जाते हैं। तो ये काम कर ही लेना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। काश मेरे पास में ऐसा कोई सिस्टम होता कि आपकी जगह मैं बैठ करके सारे लोगों को माफ कर देता तो कितना बढ़िया होता, लेकिन मैं ऐसा कभी कर नहीं पाऊंगा, और आपके अलावा ये काम कोई दूसरा कर भी नहीं सकता है, ईश्वर भी आ जाएगा तो ये काम नहीं कर सकता। ये काम किसको करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। यदि जिस भाव में आप हैं, वैर भाव में है, क्रोध के भाव में है, दुश्मनी के भाव में है, है ना, क्रोध के भाव में है, तो यदि लगातार ऐसा बना हुआ है तो आप क्या कर रहे हैं, समान एनर्जी आपके जीवन में बार बार आकर्षित हो रही है, और आपके जीवन में उथल पुथल मची रहेगी, कभी भी एक बहुत अच्छा जीवन नहीं होने वाला है आपका। आपने देखा होगा कि एक इंसान का जीवन बहुत स्टेबल चलता है, सब कुछ बहुत बढ़िया, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, सुख समृद्धि धन दौलत शौहरत सारी चीजें वो धीरे 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 अचीव करता चला जाता है, और स्टेबिलिटी होती है, देख करके ही समझ में आता है कि वो अच्छी प्रगति कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से वो सारी चीजों को अचीव करते चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में रोज उतार चढ़ाव रहते हैं, रोज उथल पुथल रहती है। क्या होता है उनके जीवन में, उनके जीवन में अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, कभी घर में आग लग जाती है, कभी घर में चोरी हो जाती है, कभी गाड़ी पंचर हो जाती है, कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, कुछ ना कुछ उनके घर में लगा रहता है, और वो इसको मानते हैं कि कर्मों का फल है, और ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, और सारी चीजें यदि देखोगे तो ऐसा कहा जाता है कि आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है वो कुछ आपके जीवन में घटित होता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता है, जो कुछ आपके मन में चलेगा वो आपके जीवन में घटित चलेगा। आपके जीवन को देख के पता किया जा सकता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, और आपके मन को देख करके पता किया जा सकता है कि आपका जीवन कैसा होने वाला है। 99% लोग इस जीवन में पैदा हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि मन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है।